हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप फेसबुक में किसी को भी ब्लॉक या अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं। ब्लॉक करने की प्रोसेस ऑलरेडी मैंने बताया है, बट इस वीडियो में फिर से हम आपको कंफर्म कर देंगे किस तरह से ब्लॉक करते हैं, और ब्लॉक करने के बाद किसी भी पर्टिकुलर फ्रेंड दोस्त जिसको भी आपने ब्लॉक किया उसको अनब्लॉक कैसे करते हैं, यदि आपने पास्ट में किसी को ब्लॉक किया था तो उसको कैसे अनब्लॉक कर सकते हैं, यानी कि आपने एक महीने दो महीने साल भर पहले किसी को ब्लॉक कर दिया था तो उसे कैसे अनब्लॉक कर सकते हैं। तो दोस्त, यहाँ पर ब्लॉक या अनब्लॉक करने के लिए सबसे पहले तो आपको उस फ्रेंड को यहाँ पर सर्च करना होगा जिस भी फ्रेंड को आपको ब्लॉक करना है या फिर अनब्लॉक करना है। अनब्लॉक करने की प्रोसेस यहाँ से नहीं है फ्रेंड्स, ब्लॉक करने के पहले प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ और फिर मैं आपको अनब्लॉक करने की प्रोसेस दिखाऊंगा, या फिर आपने जो पास्ट में जितने भी दोस्तों को ब्लॉक कर रखा आपने फेसबुक में, तो दोस्त उनको कैसे अनब्लॉक करना है ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ जिसको भी ब्लॉक करना होता है, तो यहाँ पर मैं इसको सर्च करूँगा। अब ब्लॉक करने के लिए सिंपल फ्रेंड यहाँ पर क्या करना है आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको फ्रेंड को यहाँ पे आप अनफ्रेंड कर देंगे, इसको अनफ्रेंड करके कंफर्म करेंगे। अब दोस्त यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे ब्लॉक है, तो ब्लॉक के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर ब्लॉक कर देंगे। ये आपका कमेंट, किसी भी तरह के फ़ोटोज़, आपका प्रोफाइल्स अब यह आपका नहीं देख पाएगा, ये दूसरी आईडी भी बनाएगा अगर कभी भी और आपको रिक्वेस्ट भेजेगा तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे अननोन लोग को, अननोन पर्सन को, तो फिर दोस्त ये कभी भी आपको फॉलो नहीं कर पाएगा, आपका फ्रेंड नहीं बन पाएगा। इसको अनब्लॉक कैसे करना है तो चलिए हम अनब्लॉक करने की प्रोसेस भी आपको दिखा देते हैं, आप बहुत आसानी से अनब्लॉक भी कर पाएंगे। थ्री लाइन पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर इस तरह से, तो दोस्त आप यहां पर अपने आ जाते हैं, यहां पर आप प्रोफाइल में यहां पर थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर इस तरह से आ जाएंगे। उसके बाद आपको सेटिंग में यहां से क्लिक कर लेना, अदरवाइज़ आपको नीचे सेटिंग मिल जाती है, सेटिंग एंड प्राइवेसी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से भी आप सेटिंग में जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सेटिंग पर डायरेक्ट आने के लिए अगर आप यहाँ से नहीं आना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप जो है यहाँ से भी सेटिंग के ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं। अब दोस्त यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे इस तरह से स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है। आप देख सकते हैं जितने भी पर्सन को आपने ब्लॉक किया होगा पास्ट में या रिसेंटली में, वो सारे यहाँ पर शो करते हैं। यदि आप इनको अनब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इनको अनब्लॉक कर सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ से आप इनको अनब्लॉक इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे लिख क्या रहा है, फ्यू अनब्लॉक जय ही मे बी एबल टू सी योर टाइम लाइन कॉन्टैक्ट डिपेंडिंग ऑन योर सेटिंग। तो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्त कि यहाँ पे लिख क्या रहा है कि ये आपके कॉन्टैक्ट, आपका टाइम लाइन, आपकी स्टोरी, ये सब कुछ देख पाएगा यदि आप इसे अनब्लॉक कर देते हैं। तो हम अनब्लॉक कर देते हैं, इट्स ऑल राइट। यहाँ पर जितने भी पर्सन को अनब्लॉक करना है आपको बस इसी तरह से अनब्लॉक कर सकते हैं आप। ये हो गए आपके ब्लॉकिंग पीपल्स। तो दोस्त आज की इस वीडियो में आपने ब्लॉक करना और अनब्लॉक करना बहुत आसानी से सीख गए होंगे, कैसे आप किसी को भी ब्लॉक कर सकते हैं, कैसे किसी को अनब्लॉक कर सकते हैं। तो दोस्त यहाँ पर आप यहाँ पे थ्री लाइन पर क्लिक करके भी जा सकते हैं, अदरवाइज आप इस पर डायरेक्ट प्रोफाइल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे डायरेक्ट तो आपको दोस्त सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलता है, ठीक है। तो सेटिंग ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आप अनब्लॉक करने की प्रोसेस यहाँ से नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो है तो एक सिस्टमेटिक तरीके से ही यहाँ पर आना है, यहाँ पर थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद सेटिंग के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप आ जाएंगे, आपको ब्लॉकिंग का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लॉकिंग का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। सो थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमें भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।